मध्य प्रदेश 20 अप्रैल 2019 शनिवार मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। देश को आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की 20 अप्रैल 2019 आज की शनिवार की आज की बड़ी खबरों के बारे में। क्या 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 खबरें निकल के आ रही हैं, क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बनारस में हुआ है, शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू कर लेते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से। अध्यापक समाचार से निकल कर अध्यापकों को 2 माह से वेतन नहीं मिला, मंडला एमपी न्यूज़। दोस्तों बता दें आपको, आज़ाद अध्यापक संघ जिला मंडला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया है कि अध्यापकों को विगत 2 माह से वेतन अप्राप्त है, जिसमें कुछ विकास खंड में मार्च का वेतन अप्राप्त हुआ है। वेतन की समस्याओं से जूझ रहे अध्यापकों ने सहायक आयुक्त कार्यालय जाकर श्री विजय तेकाम से मुलाकात की। जिला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया है कि अध्यापक संवर्ग के वेतन में सरकार हीला अलावा हवाली कर रही है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के जिलों में सभी कर्मचारियों को वेतन प्रदान कर दिया गया है, किंतु मंडला जैसे जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को हमेशा ही वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिलाध्यक्ष सोनी ने बताया है कि शादी विवाह जैसे अनिवार्य कार्यों के लिए वेतन की अति आवश्यकता पड़ती है। सहायक आयुक्त श्री विजय तेकाम जी ने त्वरित कार्यवाही कर भोपाल कार्यालय को अवगत कराया गया। बताया है कि कार्यालय से आवंटन के लिए मांग की जा चुकी है, किंतु अध्यापकों के आवंटन न होने का कारण उनको वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया है कि 2-3 दिन में अध्यापकों का आवंटन प्राप्त होगा एवं शीघ्र वेतन भुगतान किया जाएगा। आवंटन न मिलने की स्थिति में अध्यापकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात भी कही है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल रही है प्रक्रियागत कर्मियों का खामियाजा सरकर्मचारी क्यों भुगते। मध्य प्रदेश की कर्मचारी समाचार संबंधी से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 7 वेतन के आधार पर दे एरियर की द्वितीय किस्त का भुगतान मई माह में होना है, लेकिन विगत विभाग ने हवाले से 41% वेतन निर्धारण लंबित कर रहते विलंब हो सकता है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शाखा शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया है कि 7वें वेतनमान का निर्धारण कोषलेखा के से कर्मचारियों के सेवन अभिलेख में कराने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारियों की है। प्रथम किस्त भुगतान के समय ही वित्त विभाग ने इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे। लचर कार्य प्रणाली के कारण अभी तक 41% कर्मचारियों के वेतन निर्माण प्रकरण सेवा अभिलेख कोषलेख में लंबित हैं। प्रक्रियागत कर्मियों का खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगते। विगत विभाग से निवेदन है कि कर्मचारियों को प्रथम किस्त के समान ही द्वितीय किस्त की भुगतान मई माह के प्रथम सप्ताह में सुनिश्चित की जाए। समायोजन की स्थिति बनती है तो अंतिम तृतीय किस्त में ध्यान रखा जाएगा। वेतन निर्माण वेतन निर्धारण अनुमोदन के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। कोताही बरतने पर जवाबदेह तक तय कर योग्य अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान हो, लेकिन कर्मचारियों को समय पर भुगतान न करना अन्याय होगा। इस पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लिए जाकर आदेश प्रसारित किए जाने चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है सेवंथ पे कमीशन कर्मचारियों को 30,000 का इंसेंटिव नोटिफिकेशन जारी। दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, 7वें वेतनमान आयोग में हुई सिफारिशों का उन्हें फ़ायदा मिलने जा रहा है। कर्मचारियों को इससे 30,000 रुपये तक का फ़ायदा मिलेगा। दरअसल कार्मिक लोक शिक्षक और पेंशन मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट और पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने वाले को 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार ने इसको लेकर पहले महीने ही एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। उच्च डिग्री हासिल करने पर इंसेंटिव डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अपने कर्मचारियों के लिए यह बड़ा ऐलान किया है। विभाग ने कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव देगा जो नौकरी में आने के बाद उच्च शिक्षा डिग्री
हासिल करते हैं। एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को डिग्री पूरी करने के बाद एक मुफ्त इंसेंटिव दिया जाएगा। इसमें 30,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के इंसेंटिव दिए जाएंगे। वेतन आयोग की सिफारिश पर फैसला नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने यह फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ही लिया गया है। वेतन आयोग कमेटी के अपने गाइडलाइंस में इस तरह की सिफारिश दी थी। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की कमेटी की वित्त सचिव संभालते हैं। डिग्री या डिप्लोमा विभाग के काम में से जुड़ा होना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स पूरी तरह से विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। साथ ही डिग्री या डिप्लोमा को पास करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन के साथ साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो कर्मचारी डिग्री या डिप्लोमा पास करेंगे उन्हें बताई गई राशि मिलेगी। कितना फ़ायदा मिलेगा PhD करने वाले को? कर्मचारियों को 30,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 1 साल से ज़्यादा के डिप्लोमा पर 25,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 1 साल से कम का डिप्लोमा करने पर वाले को 20,000 रुपये और 3 साल से कम से अधिक डिग्री या डिप्लोमा करने वाले को 15,000 रुपये बतौर इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं 3 साल से कम की डिग्री और डिप्लोमा करने वाले को 10,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है जबलपुर में PM मोदी की सभा को अनुमति नहीं मिली, भाजपा भड़की। दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जबलपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आम सभा हेतु परमिशन नहीं दिए जाने की शिकायत की है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विलेश गुणावत, समिति संयोजक शांतिलाल लोढ़ा, निर्वाचन समिति सदस्य श्री SL उप्पल, प्रदेश प्रवक्ता श्री राहुल कोठाली, पैनलिस्ट की दुर्गेश केसवानी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और श्री ओम शंकर श्रीवास्तव, श्री रवि कोचर शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 26 अप्रैल को जबलपुर के शहीद स्मारक मैदान पर आयोजित सभा प्रस्तावित है उक्त स्थल पर सभा आयोजित करने हेतु चिन्हित की भी किया गया था, जहां पूर्व में बड़ी सभाएं होती आ रही है। शहीद स्मारक मैदान चारों तरफ से खुला हुआ है एवं उचित संख्या में श्रोतागण के बैठने की समुचित व्यवस्था है। आम सभा की परमिशन नहीं दी जा रही है। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा है। जबलपुर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक तनखा मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के मामले में उच्चतम न्यायालय में पैरवी भी करते हैं द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा परमिशन इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, जो कि यथोचित नहीं है। तत्कालीन आवेदन को संज्ञान में लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रस्तावित सभा शहीद स्मारक मैदान जबलपुर में परमिशन दिए जाने की मांग की है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पांचवी अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल कर एक मंत्री, एक SP और 2 कलेक्टर सहित कई अधिकारियों की इलेक्शन कमीशन की शिकायत। दोस्तों प्रदेश के पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने 18 अप्रैल को खरगोन में सभा को संबोधित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के उल्लंघन में अपशब्दों का उपयोग कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी करते हुए हिंदू देवी देवताओं का मजाक उठाने हेतु चौकीदार चोर है, जारों का सिरमौर है, यह कहना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वक्त सभा में मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, सचिन यादव, बाला बच्चन खरगोन से के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद मुलाजदा के ने खुले आम निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना की थी। प्रतिनिधिमंडल ने सज्जन सिंह वर्मा के अन्य मंत्रियों के खिलाफ तत्कालीन कार्रवाई की मांग की है और सागर SP और SP को भी हटाए जाने प्रतिबंध में शिकायत कर दी है। दर्शकों इस प्रकार से वीडियो हमने जाना मध्य प्रदेश की आज की 5 बड़ी खबरें, जो कि जानना थी बेहद ज़रूरी, जो कि अभी अभी अपडेट हुई थी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।